सुकून से जाएं, अल्लाह हाफिज़। कितने घंटे में पहुँचा देंगे आप? क्या आपको लगता है कि मैं इतने घंटे में पहुँच जाऊँ? 8 से 9 घंटे का सफर। ये वाला है। हाय भाई मुन्ना। अबे तू सुबह सुबह उठ गया यार, ये सोया ही नहीं। अबे बता तू, सोया ही नहीं होगा। अभी हो रहे हैं भाई सुबह के 6। जबरदस्ती उठाया ना इसको, बासिल को जबरदस्ती उठा दिया ताकि बासिल सबसे मिल चुके और सबको अल्लाह हाफिज़ कर दे। मेरे मुन्ने की आंखों में इतनी नींद, टिंगू पिंगू नींद आ रही है। सो जाओ मेरा प्यारा मुन्ना। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एक व्लॉग काफी सुबह सुबह स्टार्ट करना पड़ा है मुझे भी, सिर्फ 1.5 घंटा या 2 घंटा हुआ है नींद करे हुए, क्योंकि मैं 3 बजे सोया और 5 बजे उठ गया। मुझे पता लगा कि यार के पापा लोग तो भाई जा रहे हैं। इधर 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 किधर किधर बताओ। जा रहे हैं जो कब से प्लान बन रहा था वो फाइनली पूरा होने जा रहा है। भाई कौन कौन जा रहा है? सन भाई, पापा, मम्मा और मैं, बस 4 बंदे। आओ हमारे साथ। तो गई नहीं, आपने अकेले प्लान बना लिया जाने का। सारे भाई सुबह सुबह उठ गया भाई। वैसे तो ये शख्स जो है ना, ये दोनों ये रात को उठने वाले शख्स हैं भाई। अब ये पापा को अल्लाह हाफिज़ कर ही सोएंगे। बाहर तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है भाई, साथ कबूतरों को बाजरा और पानी। सुबह सुबह उठने का जो मजा है ना वो अलग ही है भाई। और भाई मुझे पता लगा कल रात को भाई पापा का तो प्लान बन गया जाने का, और इतना अर्जेंट बन गया कि भाई फिर हमने भी कुछ प्लान किया है। आज हमारी भी फ्लाइट है कि भाई हम दोबारा जा रहे हैं सवात, क्योंकि हमारा काम है यार आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि काम में अगर आपने टाइम नहीं दोगे तो फिर वो काम नहीं। तो यस, और मैं भी जा रहा हूँ सवात। आपके फुल मजे हो रहे हैं बेटा, तुम घूमने जाओ और हम ना जाएं। जाओ एंजॉय करो, अब भी हम एंजॉय करेंगे। सो ये बेबी और सबाई कपड़ों के जाने के, और आज जो मैंने बैग बनाया है देखो, ये वाला बैग बनाया है, क्योंकि मेरा बैग जो है ना बड़ा वाला, वो मामले के जा रही है, और मैं तो ज्यादा दिन के लिए जा भी नहीं रहा, मतलब 1-2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ सिर्फ काम से रिलेटेड। तो भाई ये उठा के चलते हैं भाई नीचे। ओए 3-3 बैग पकड़ने पड़ेंगे। चलो चलो। ओ भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तुम कहाँ लेके जा रहे हो? पापा लेके जाएंगे भाई, पापा लेके जाएंगे, छोड़ दो छोड़ दो, लेके जाएंगे। गाइस गिफ्ट आया हमारे दोस्त की तरफ से, तो ये ओपन कर देते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। एडवर्ड भाई सही खोल देगा भाई इसको खतरनाक तरीके से, मुझे तो लग रहा है। अरे कौन सा टुआ है? वाओ सारा भी वो टूटा हुआ होगा, इसको फिर बनाना पड़ेगा बाद में। नहीं नहीं फिर सही है, बाद लिमिट गाइस अभी इसको छोड़ लें, आगे बनाएंगे। वेट करो यहाँ पर। एक इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गया हूँ कि भाई पापा लोग कोयटा तो जा रहे हैं, 15-12 घंटे का सफर जो है वो हो रहा है गाड़ी के अंदर, जहाज में नहीं जा रहे, बाय रोड जा रहे हैं। हमें मना किया पापा ने कि तुम नहीं जाओ, खुद जा रहे हैं। चले पापा भाई सुकून से जाएं, अल्लाह हाफिज़। कितने घंटे में पहुंचा देंगे आप? 8 से 9 घंटे का सफर है। पहली बार जा रहे हैं कोयटा बाय रोड? कोयटा तो पहली बार, 50 साल बाद जा रहे हैं। 50 साल बाद भाई बेटा पाटूस, फर्स्ट टाइम मैं बाय रोड जा रही हूँ। मम आपको तो अल्लाह हाफिज़ किया ही नहीं, ख्याल रखो, कॉल मॉल कर लेना मेरे को, ठीक है? बार बार बाय बाय करे जा रहा हूँ भाई, मैं जाता रहता हूँ भाई, मुझे इतना फील नहीं होता, बट जब मम्मा पापा जा रहे हैं ना हमें छोड़कर, वो फील हो रहा है। एक बार फिर बाय कर देता हूँ, बाय बाय फील हो रहा है मेरे को यार, मम्मा पापा छोड़ के गए। रोना आ रहा होगा? रोना नहीं आ रहा, मतलब आपको नहीं आ रहा? मैं तो जा रहा हूँ अभी, अगर मैं घर पर होता तो फिर हो सकता है कि मुझे रोना वोना आ जाता। मैंने बोला कि मैं भी नहीं होंगी, मम्मा पापा भी नहीं होंगे, तो आप बोर होगे, इसलिए मैंने आपको बोला साथ चले जाओ। तो जैसा ही हुआ है, अर्जेंट प्लान। नाश्ता जो है ना वो नहीं किया हुआ, तो सोच रहे हैं कि भाई सबा के घर पे ही नाश्ता कर लेंगे आज का। और पहुंच गए और पार्किंग में गाड़ी भी लगा दी। ये तो सो गया। अंकल कैसे हैं? ठीक ठाक। बहुत जल्दी उठ गए माशाल्लाह भाई, सारे उठे भी हो। वो क्या है, डायनासोर पाला है? ओए 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 ये वाला है, ओए ये वापसी आ जाएगा। छोटे छोटे टॉय की मेरी बहुत याद है यार, पता कैसे? क्योंकि मुझे चाहिए होते तो मुझे पापा दिलाते नहीं थे। ये कजन ने लिया था और पापा को मैंने बोला था मुझे दिला दो यार, मैं मुक्के मारूंगा, ये वापसी आएगा। मतलब छोटे बच्चों को मजा आता है इन चीजों में ना, क्योंकि मैं भी छोटा था भाई, लेकिन पापा ने मुझे नहीं दिलाया। बट वो चीज सही थी यार, वो भी चीज सही थी। मैं दुकान पे बैठ जाती थी, रोती थी, पर अम्मी थप्पड़ मार के ले जाती थी। ओ वो 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 ओए 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 गया काटू। सजादों की सारी चीजें यहाँ पर 3 दिन के लिए। अब 3 दिन के लिए मेरा बच्चा इनका, क्योंकि मैं जब यहाँ आती हूँ तो बासे मुझे दिखता भी नहीं है। नाश्ता जी आ चुका है। बस कितने टाइम से मैंने हलवा पूरी नहीं खाई भाई, क्योंकि ये सुबह सुबह खाने का मजा है। तो मॉर्निंग का नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं घर। बाय बाय मुन्ना, मिलते हैं आपको 3 दिन बाद मेरा प्यारा मुन्ना। अल्लाह हाफिज़ कर दो पापा को जल्दी। ये क्या हो गया, क्या हो गया? अल्लाह हाफिज़ कर दो जल्दी पापा को। चलो भाई। अरे आ दिया मेरे मुन्ने ने मुझे, मुन्ना प्यारा। ख्याल रखिएगा और खैर खैर से जाके सफर की दुआ पढ़िएगा लाजमी। ठीक है, आप भी दुआ दे देना। आज भाई दोनों का लाफिस कर दिए, पापा अपना चले गए, सब अपना चले गए। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, अरे लिफ्ट तो बंद है।
पहुंच गए घर। गाइस अभी तक धूप नहीं निकली बाहर, 8:30 हो गए और मौसम इतना मजे का हो रहा है ना, अभी मैं सवाल जा रहा हूँ कि यहाँ बारिश ना हो जाए। कोई है? पहुंच गए रूम और एक MS फ्रेग्रेंस ने लॉन्च किया है न्यू ग्रीन। ये परफ्यूम सिर्फ और सिर्फ हमारा 14 अगस्त के लिए लॉन्च होता है, स्पेशली एडिशन है ये। लाइक इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है वो सेम रहती है हर साल, बट जो बॉटल और बॉक्स होता है वो बस चेंज होता है, क्योंकि ये जो है ना सबसे बेस्ट परफ्यूम है हमारी आउटलेट का मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने इसको अभी भी यूज किया हुआ है। अनबॉक्स करते हैं इसको भाई। आए ग्रीन, जिन्होंने पिछली बार ये लिया था वो 1 साल से पूछ रहे हैं कि यार ये कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। उनको बॉटल से मतलब नहीं है, उनको बॉक्स से मतलब नहीं है, इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है ना उससे मतलब है, क्योंकि वो बहुत कमाल की है और बहुत ही समझो स्वीट है, बहुत मजे की। जो स्वीट लवर है ना उनको मजा आ जाएगा लगाकर। तो अभी लगाकर सोते हैं इसको भाई, कमाल है। तो जाओ वेबसाइट विजिट करो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी है मासदर स्टोर के नाम पे, तो वहां पर भी अपडेट हो गया होगा। आप पाकिस्तान में कहीं भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो और हम आपको पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, बस इंटरनेशनली नहीं करते, इंटरनेशनली इंशाल्लाह बाद में हो जाएंगे, बट पाकिस्तान वालों के लिए तो मौज ही मौज। तो जाओ बाय करो 14 अगस्त के लिए ग्रीन। अभी के लिए मैं परफ्यूम जो यूज करूंगा अब से ये करूंगा, जब तक 14 अगस्त है तो आप जब भी सुनोगे मेरे पास से खुशबू, कोई अगर मिलता है भाई सब्सक्राइबर्स में तो ये खुशबू आएगी भाई, पूछने वाला कौन सा लगा है। तो अब मैं रेस्ट करता हूँ और मिलते हैं आपको फ्लाइट के टाइम। 346 मिनट्स लेटर। मॉर्निंग भाई फिक्स 1 बज रहा है, फ्लाइट मेरी है 2:40 पर, जाते जाते आधे घंटे में तो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं, कहीं फ्लाइट निकल ना जाए। और नाश्ता सामने है तो नाश्ता करते हैं फटाफट से। एडवर्ड भाई जल्दी 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 भाई, अगर निकल गई ना तो मैं तुम्हें ठहराऊंगा सजावार। सजावार ये कसूरवार, कसूरवार क्यों ये लेट उठा यार। चलो चलो अबे कहाँ जा रहे हो, अबे अबे क्या हो गया, छोड़ के आऊं अभी से छोड़ के। नाश्ता करना पड़ेगा ना, नाश्ता बन गया है। अब मेरी गलती नहीं है भाई, भैया नीचे बात चुके भाई, भागो एटीट्यूड भाई, गाड़ी में जाना पड़ रहा है, बैग रखा नहीं रखा वो रख दिया। ओ भाई ये तो हम रियल स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं, फरारी है ना भाई। गाइस हम तो मजाक में बोलते थे कि फरारी में जाएंगे, फरारी में तो असली बनवा दी, अब क्या होगा ये। आराम से भाई, पहले जहाज में बिठा दिया, मैं तो एयरपोर्ट पे बैठूंगा जहाज में। पहुंच चुके हैं भाई, बाय बाय बाय। आगे की सीट लिए 1200 रुपए देकर, छोटा सा बैग है तो हमने आगे रख लिया। हमें मिली है विंडो सीट, मेरे साथ वाली सीटें खाली हैं, अभी मैं लेट भी सकता हूँ पता है आपको। वो जो है ना हम यूं करके लेट सकते हैं भाई, यूं करके सोलो जाने का ये मजा है कि अगर आपको जगह खाली मिल जाए तो आप लेट जाओ। गाइस सबन ने हमारे लिए जूस रखा था कि अगर आपको भूख लगे तो आप ये पी लेना, पीते हैं जूस। क्या एक्टिंग कर रहा है, कौन लेने आया भाई, कौन लेने आया। दोस्त तो कॉल ही नहीं उठा रहा, काम कैसे ठीक था। बाकी जो मेरे दोस्त थे वो अभी तक हाईवे के ऊपर है, बट उनके दोस्त हमें रिसीव करने आए, तो थैंक यू। अंडे वाला स्पेशल बर्गर किसने वाले ले लिया, 3 केले के शेक और 1 अंडे वाला बर्गर स्पेशल। आ चुके हमारा बन कबाब, शेक भी आ गए। नमस्ते छोटे छोटे बच्चों, बासिल किधर है? बासिल को नहीं लेकर आए हम, बासिल ने बोला कि पिछली बार इन्होंने मुझे बहुत तंग किया था, अब मैं नहीं जाऊंगा। आप क्यों नहीं आई थी उस दिन, इनको तो समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शरारती कर रहे हैं, शरारती हो गए ना। हाँ दोनों बासिल कब होगा इतना बड़ा भाई, जो इस तरह गले लगेगा मेरे से। अल्लाह करे जल्दी बड़ा हो जाए, हाँ। लेकिन जितना बड़ा होगा ना उससे ज्यादा शरारतें करेगा। हाँ वो तो करेगा। मॉम की कॉल आई है, मॉम किधर पहुँचे आप लोग? हम लोग पहुँच गए कोयटा। अरे वाह वाह, लॉन्ग सफर दोबारा से शुरू होने वाला है जो कि 3-3.5 घंटे का। जो कराची से लोग आते हैं वो तो घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, और उनको इतना ज्यादा सफर लगता है। अब हमारा काम हो गया है तो हमें लंबा लंबा सफर करना पड़ेगा और आना जाना करना पड़ेगा, फिर जहाज में, फिर बाय रोड काम के लिए। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत शर्त है। हाँ यही है, काफी सारे काम हो गए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एक अच्छी सी अचीवमेंट हो जाएगी ना मेरी, मेरे इन कामों में, जब जाके मैं कुछ इनको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। क्योंकि लोग पता क्या करते हैं, वो कुछ छोटा सा अचीव करते हैं और फिर लोगों को ना बयान देना शुरू कर देते हैं, ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, पहले इनको कुछ दिखाना है। हाँ तो जब इनको कुछ दिखाएंगे देन उसके बाद समझाएंगे भी, तो ये समझेंगे भी। लोग ऊपर ऊपर से करके ना बस फिलोसोफर बन जाते हैं नेट के ऊपर, बस मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब पहले खुद कुछ प्रूफ करके दिखाओ देन फिर अगले को ज्ञान दो ना। यस यस, तो इंशाल्लाह
हो जाएंगे कामयाब। दुआ आप लोग की, दुआएं हमारा मेहनत इंशाल्लाह जरूर रंग लेके आए इंशाल्लाह। पहुंच गए सवाद मिंगोरा फाइनली, पहुंच गए सवाद मिंगोरा फाइनली, वेलकम टू सवाद वैली। अभी यहां से फैजाबाद जाते वक्त दोबारा से टाइम लगेगा हमें भाई 30 या 35 मिनट, तो चलते हैं अभी और सफर करते हैं। काफी पांव में दर्द हो गया था तो शूज उतार दिए। 10:30 हो गए और सामने जो है हमारा होटल आने वाला है। आ गया भाई, आ गया। आई लव सवाद। हमारा फूड हमने बहुत मिस किया भाई। पहले चलते हैं, बैग बैग रखते हैं भाई रिजॉर्ट के अंदर, देन उसके बाद फिर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। असम जा रहे हैं भाई इस रूम में, ये रूम है बागी सीट का। अभी हम अपने खुद के पैसे बचा रहे हैं भाई, इन्हीं के रूम में रुक जाएंगे, इनके रूम के ना कोई चार्जेस नहीं है। तो हाँ, इस रूम के अलावा बाकी जितने भी इधर रूम है ना वो सारे चार्ज वाले, अगर मैं वहां पर रुका तो पैसे देना पड़ेंगे। एक सवाल आप लोग का था कि यार अपनी ही चीज में बंदा क्यों पैसे दे, उसको चाहिए फ्री में खाए फ्री में पिए। तो यार ये बस हम अपने बिजनेस में खुद का हिस्सा डाल रहे होते हैं जस्ट, तो ये इसलिए ये मैं मतलब मैं करता हूँ ऐसा। अगर आप लोग को भी करना पसंद है तो आप लोग भी करना, और अगर नहीं पसंद तो उसको आदत बना लो और चल पड़ेगा। यहाँ रखते हैं बैग अपना। गाइस लूडो भी पड़ा हमारे पास, हम रात को लूडो वूडो भी खेलेंगे। मेरे यहाँ पर दो दोस्त भी आए हैं। ओए नींद पूरी कर रहे हो, कैसे हो? ठीक ठाक मजे में। 10 में से बताओ, 10 में से 11, 10 में से 100। क्या बात है भाई, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है भाई। आज हम डिनर करने लगे हैं यहाँ पर बैठ के। एक यहाँ पर डिनर हो रहा है और एक बिल्कुल नीचे डिनर हो रहा है, लेकिन हमने बोला हम यहाँ करते हैं स्टेक। सुबह निकालते हैं फटाफट से अपनी स्पैगेटी, और स्टेक जो है वो इनमें से थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हाँ एक साथ खा ले पूरी प्लेट। टेस्ट कैसा है यार, आप लोगों ने थोड़ा सा चख लिया है यार, आउट क्लास है माशाल्लाह। अच्छा इसको क्या रेट दोगे? इसको देंगे भाई अनलिमिटेड रेट, दे ही नहीं सकते वाकई में। ये तुमने सच बता रहे हो? सवाद में ऐसा खाना आज तक नहीं था, भले कोई कराची में आया हूं। सवाद में अगर ऐसा खाना मिल जाए तो रिजॉर्ट फ्री दे देंगे इनको। गाइस ये तो इनके रिव्यू है, ये तो ऐसे रिव्यू मैं नहीं देता, बट हर किसी ये कह रहे हैं कि काफी अच्छा है। बस यार खाते हैं अब खाना रात का। और टिंगू बिंगू, ओ भाई इस वक्त टिंगू पिंगू हमारे साथ कॉल पर है, बट अभी ये मुझे देख नहीं रहे। टिंगू पिंगू बैठ, ओ बैठ। अरे देख लो भाई, अरे देख लो पापा को यार, भाई पापा सवाद में है। ओ टिंगू पिंगू नहीं देख रहा गाइस, ये नहीं देख रहा, लगता है ये मुझसे नाराज है, मैं उसको अकेले छोड़कर आ गया हूँ। भाई नहीं देख रहा भाई, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर। खाना जो था वो बहुत मजे का था और बहुत लजीज था। एक बात आप लोग बड़ी डिमांड कर रहे थे कि यार अपने रिजॉर्ट और अपने रेस्टोरेंट की पूरी फुल वीडियो बनाओ, जिसमें सारी एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग, प्राइसिंग और फूड और रहना, ये सब के मतलब कितने में हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी। तो वो चीज़ें हम इस बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी जो कि मेरे रिजॉर्ट से रिलेटेड है, तो उसको मस्त देखना। तो इस व्लॉग को इधर से एंड करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दो, मस्ट मस्ट मस्ट। और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।